तो हेलो एट स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एट स्टैंडर्ड के लिए चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है हेल्थ एंड डिसीज वन शॉट आईएमपी। अपना एग्जाम्स के लिए एक दो दिन पहले वन शॉट आईएमपी जरूर चेकआउट करके जाना, आपका सारा काम अच्छे से हो जाएगा। तो एक बार फटाफट इस वीडियो को देख लो, सारे वन शॉट आईएमपी को देख लो और पता करो कि आपको वो आती है या नहीं आती। मैक्सिमम क्वेश्चन वही से आने वाले, तो क्या है 101%। ठीक है, लेट्स बिगिन विद दिस वन शॉट आईएमपी। फटाफट दोस्तों के साथ शेयर कर लो और तो क्या है देखो, इस वन शॉट आई में चैप्टर का नाम है हेल्थ एंड डिसीज। आई होप सो आपने पढ़ा भी होगा चैप्टर नंबर 2, दैट इज हेल्थ एंड डिसीज। हेल्थ चल क्यों नहीं रहा, मेरा पेन इंक खत्म हो गया क्या? यार चल गया। हेल्थ एंड डिसीज, हेल्थ एंड डिसीज में सबसे पहली बात करें हेल्थ की डेफिनेशन। भाई हेल्थ की डेफिनेशन तो पता होना चाहिए। हेल्थ क्या होता है भाई? फिजिकली फिट रहना, मेंटल फिट, सोशल वेलबींगनेस, अच्छी खासी यारी दोस्ती, गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त होने चाहिए, एंड नॉट मेरिली एब्सेंट ऑफ डिसीज। मतलब हमें लगता है हेल्थ मतलब सिर्फ बीमारी नहीं है शरीर में, मतलब मैं हेल्दी हूँ, नहीं। हेल्दी के साथ साथ आपकी दोस्ती अच्छी, फिजिकल फिटनेस, मेंटल वगैरह सब अच्छा होना, दैट इज कंप्लीट हेल्थ। ओके, इधर रखना। व्हाट इज डिसीज? दिस मतलब डिसीज का मतलब होता है फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बर्डन, मतलब शरीर थक जाना या दिमाग थक जाना, मतलब डिसीज है सिंपल भाषा में बताए तो। फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिसीज में, ध्यान रखना दो बड़े इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शियस डिसीज के एग्जांपल जरूर ध्यान रखना, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज के एग्जांपल जरूर ध्यान रखना। ठीक है, मैं वन शॉट आईएमपी दे रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो नहीं तो आप बोलोगे सर समझा नहीं रहे हो आप, मार्किंग कर लेना, मार्किंग कर लेना। फिर होता है इन्फेक्शियस डिसीज, एक ध्यान रखना इन्फेक्शियस डिसीज वर्सेज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज पे डिफरेंस आता है। तो ये डिफरेंस आप कैसे ढूंढ लो और फटाफट इसको याद कर लो। भाई इन्फेक्शियस डिसीज क्या होते हैं? डिसीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड एयर, वाटर, फूड वेक्टर्स, गलत खाना, गलत हवा और वेक्टर्स मतलब मच्छर वगैरह, इनसे जो बीमारियां फैलती है उनको बोलते हैं इन्फेक्टेड इन्फेक्शियस डिसीज। बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, डायसेंट्री, कॉलेरा एंड टाइफाइड। ठीक है, इनमें से आप बस इसमें से ज्यादा कुछ नहीं, बस एक बार चार्ट को रीड कर लेना, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट है डेंगू। डेंगू के बारे में बात करेंगे तो डेंगू इज स्प्रेड थ्रू द एडेस अजापति, ये वाला जो मॉस्किटो होता है ये डेंगू को फैलाने का काम करता है। ये क्या करता है? ये DEN14 वायरस लेके घूमता है और DEN14 वायरस जो इंसान मिलता है उसके अंदर घुसेट देता है, ध्यान रखना। ठीक है, कौन? एडेस अजापति। इसकी वजह से डेंगू फैलता है और ये कौन सा वायरस इंसानों में घुसाता है? DEN14 वायरस। इससे ही हमें डेंगू होता है, इस वायरस की वजह से। प्रोमिनेंट सिम्टम्स क्या है? आंखें दुखना। प्रोमिनेंट सिम्टम्स क्या है? पेन इन द आई सॉकेट, डिक्रीज इन द प्लेटलेट्स काउंट, ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं उसके काउंट में कमी हो जाना। ठीक है ना, ये है प्रोमिनेंट सिम्टम्स किसके? डेंगू के। फिर हम बात करेंगे मलेरिया किसके वजह से फैलता है? एनाफेलस मॉस्किटो, फीमेल एनाफेलस की वजह से मलेरिया फैलता है। एलिफेंटाइसिस किसके वजह से फैलता है? फीमेल क्यूलेक्स की वजह से एलिफेंटाइसिस फैलता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डेंगू का रीजन, डेंगू क्यों होता है और प्रिवेंशन मतलब डेंगू से बचने के तरीके क्या है। तो आपको दिखेगा पानी को साफ रखो, ज्यादा घर में मॉस्किटो रिपेलेंट लगा के रखो, मतलब मॉस्किटो घर में नहीं आए, जो भी आपको मॉस्किटो को दूर रखने के लिए जो भी आपको स्प्रेड करना है वो करो, जो भी बातें हैं तो आप इसको घर के आसपास में पानी जमा मत होने दो। ठीक है ना, तो ये सारी बातें आप जरूर ढूंढ लेना कहाँ से भी, और इसको प्रिवेंशन मेजर्स में क्वेश्चन पूछते जाते हैं, व्हाट इज द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर द डेंगू। ठीक है, जितना बोल रहा हूँ ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन लिख लेना। फिर बात करेंगे एड्स, एड्स में बात करेंगे हम लोग, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है वो जरूर करना। फिर HIV का फुल फॉर्म क्या होता है वो जरूर करना। और जब भी किसी को एड्स की बीमारी होती है तो उसको डायग्नोसिस करने के लिए कौन सा टेस्ट फेमस है? एलिसा नाम का टेस्ट फेमस है, ये एक बार देख लेना। फिर हम बात करेंगे रेबीज में, तो रेबीज में सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम्स क्या है? हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगना। सिम्टम्स ऑफ द रेबीज भी एक बार कर लेना, फीवर्स ऑफ द 2 to 12 डेज, एग्रेशन इन बिहेवियर, हाइड्रोफोबिया। ठीक है ना, फिर हम बात करेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज की। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज क्या होती है? जो टच वगैरह हवा वगैरह से नहीं फैलते हैं, वो आपके गलत काम की वजह से आप में आ सकते हैं या हेरिडिटरी मतलब पापा से मम्मी से आपके अंदर आ सकते हैं। डिसीज विच डू नॉट अकर थ्रू द इन्फेक्शन और बॉडी कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कैंसर। कैंसर में अनकंट्रोल एंड एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ इन द बॉडी, बॉडी के अंदर कैंसर के सेल ग्रोथ करने लग जाते हैं जो हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स को खत्म करने का काम करते हैं। क्या क्यों होता है? रीजन कैंसर क्यों होता है उसका कारण। ठीक है, और सिम्टम्स जब भी आपको कैंसर होगा तो क्या आप में बॉडी में आपको सॉरी ऐसा नहीं बोलते आपके बॉडी में क्या क्या चेंज आप सॉरी वापस उस इंसान के बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे जब किसी को कैंसर होता है। तो ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स हमें उससे पता चल सकता है कि भाई इस बंदे को कैंसर हुआ, फटाफट डॉक्टर के पास लेके जाओ। आगे बात करते हैं,
रीजंस ऑफ डायबिटीज, हेरिडिटरी ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल स्ट्रेस। डायबिटीज पे क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि डायबिटीज ऐसी बीमारी है कि इंडिया में हर पांचवें आदमी को लगभग, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग रीजन ऑफ हार्ट अटैक, रीजन ऑफ हार्ट अटैक क्यों होता है, हार्ट अटैक होने के कारण क्या, वो सारी बातें देख लेना। फिर हार्ट अटैक किसी को होता है तो उसके लिए कौन कौन सी तरीका है उसको अच्छा करने का, हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बाईपास सर्जरी कर सकते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी कर सकते हैं, दो तीन नाम याद रख लेना। फिर हम थोड़ा सा बात करेंगे जेनेरिक मेडिसिन, मैं आपको एक बात बोलूंगा जेनेरिक मेडिसिन के बारे में जितनी हो सकती है उतनी इन्फॉर्मेशन निकालो, क्यों, पैसा बचेगा। क्या बचेगा, पैसा बचेगा। कैसे पैसा बचेगा, जेनेरिक मेडिसिन बहुत सस्ते में आती है और इसका वही काम होता है जितना आप वो महंगी महंगी मेडिसिन खरीदते हैं, कुछ नहीं होता है। जेनेरिक मेडिसिन मान लो किसी बताई तो जेनेरिक मेडिसिन पे कंपनी क्या करती है, अपनी खुद की ब्रांडिंग कर देती है और ब्रांडिंग के वजह से 10 रुपए की मेडिसिन वो 100 रुपए में बेचते हैं। तो आप पता करो कि आपके आसपास में, आपके शहर में, आपके गांव में जेनेरिक मेडिसिन का स्टोर कहाँ कहाँ है, तो अगले टाइम कुछ भी मेडिसिन खरीदना है तो जेनेरिक मेडिसिन मेडिकल में जाकर खरीदना। लाइफ स्टाइल एंड डिसीज, लाइफ स्टाइल एंड डिसीज में हम बात करेंगे तो हमारे लाइफ स्टाइल सफिशियंट स्लीप, राइट फूड, योगासन, प्राणायाम और फिजिकल एक्सरसाइज, अगर ये आप डेली कर सकते हो तो आपकी लाइफ स्टाइल बहुत खूबसूरत रहेगी, जो मैं करता हूँ, थोड़ा थोड़ा कोशिश करता हूँ, कभी कभी नहीं हो पाता है, बट ये स्टिल ट्राई, ये ट्राई करना, ठीक है। ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये मैं ज्ञान की बातें कर रहा हूँ थोड़ी देर तक, ठीक है, पूछ भी सकते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जेनेरिक मेडिसिन की बात करें तो जन आयुष औषधि स्टोर्स, आपके शहर में, आपके गाँव में जन औषधि स्टोर है या नहीं, कमेंट करके बताना है, आपके गाँव में, आपके शहर में जन स्टोर औषधि स्टोर्स है या नहीं, इसके बारे में जल्दी से जल्दी तुरंत कमेंट कर दो। इस स्टोर्स के अंदर आपको जेनेरिक मेडिसिन मिलेगी, समझ में आया, तो आप कमेंट में करके बता दो सर जन JAS स्टोर हमारे शहर में है, और नहीं है तो नहीं है, पता तो करो, मिलेगा, होगा, 100% होगा, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है जेनेरिक मेडिसिन के बारे में, कैसे इंडियन कंपनी जेनेरिक मेडिसिन को एक्सपोर्ट करती है, उस पर अपना ब्रांडिंग करके कितना महंगा बेचती है। तो हमें सिर्फ जेनेरिक मेडिसिन को जब छोटी मोटी बीमारी हो तो वो खरीद लेनी चाहिए और ज्यादा महंगी नहीं खरीदनी चाहिए। और दूसरा है फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे, वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे 14 जून को, 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे, ठीक है, दैट्स इट। ब्लड डोनेशन का इम्पोर्टेंस समझ लेना है, यहाँ से ज़्यादा नहीं है। तो आई होप सो ये सेशन आपको पसंद आया था, इसका जो टारगेट है वन शॉट IMP देने का अपन ने दे दिया आपको। इफ यू लाइक हिट लाइक बटन, इफ यू लाइक चैनल तो हिट सब्सक्राइब बटन, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, अच्छे से रहो, नई नई चीज़ें सीखो, एक्सप्लोर करो, ठीक है। और स्कूल की पढ़ाई तो मैं बोल रहा हूँ इनमें एक एक घंटे में खत्म कर दो, और नई नई चीज़ों पर ध्यान देते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।